हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एलिक्सर। और यार, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। और आप देख सकते हैं आपके सामने एक ये वाइट कलर का बॉक्स है जो कि कंप्लीट सील पैक है। और आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाता है या नहीं। बॉक्स पर कुछ डिटेल्स हैं जिसपे प्राइसिंग लिखी हुई है 74,999 रुपीज़ की, बट हमने इसको परचेज़ किया है 30,198 रुपये 30,198 रुपीज़ का 256 GB वेरियंट 8 GB रैम के साथ फ्लिपकार्ट से। और हमें ये बिग बिलियन सेल में मिला है, तो देख सकते हैं इस टाइम ये कम्प्लीटली सील पैक है। वेरियंट देख सकते हैं आप, ये अक्टूबर 2023 का है और कम्प्लीटली सील पैक है। बॉक्स को देख के पता लग रहा है कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है बॉक्स में चार्जर नहीं है। तो करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। जब भी आप फ्लिपकार्ट से लें तो ओपन बॉक्स डिलीवरी करवा सकते हैं। हमने तो डायरेक्ट लिया क्योंकि हमें यहाँ पर अनबॉक्सिंग करनी थी। और फर्स्ट लुक देखोगे, फर्स्ट लुक जो आ रहा है काफ़ी प्रीमियम आ रहा है। और इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले जो है इसकी 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसको डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले बोलते हैं। तो फर्स्ट लुक में तो डिस्प्ले तो आप देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है फ़ोन देखने में। इसको साइड में रखते हैं और अंदर देखते हैं। यहाँ पर एक सैमसंग का एक और छोटा सा बॉक्स है जिस पर लिखा हुआ सिंपल सैमसंग। और अंदर जाके अगर हम देखें तो अंदर यहाँ पर कुछ ठीक है, यहाँ पर एक USB केबल है Type-C to Type-C और यहाँ पर चार्जर मिसिंग है। आपको पता है सैमसंग का जो चार्जर है वो इस टाइम ऑनलाइन 1500 रुपये का बिक रहा है, जो फास्ट चार्जर है। और तो आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा, साथ में वारंटी कार्ड और ये कुछ बुकलेट जो कि कोई भी नहीं पढ़ता। और बॉक्स है सिंपल और कुछ भी नहीं है, फ़ोन और डेटा केबल और कुछ भी नहीं मिला है इसमें हमें। तो इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले ये देख लेते हैं डेटा केबल की जो क्वालिटी है वो कैसी है। डेटा केबल तो ओरिजिनल है ऑफकोर्स, और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वियतनाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो चार्जर आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। मैंने ये रिव्यू बाद में किया है, बट मैंने चार्जर इसके लिए परचेस कर लिया था सैमसंग का, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा इजीली। अब नाउ चलते हैं फ़ोन पर। फ़ोन सबसे पहली लुक में देखो तो प्रीमियम कलर का है, और इसका जो कलर है वो ग्रेफाइट कलर है। आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, 2 या 3 कलर और भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो वो आप ले सकते हो। तो अब इसकी जो इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं क्या ये कितना अच्छी क्वालिटी का दिखता है। इसको अनरैप कर लिया है हमने। और मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला, मतलब ये कंप्लीट गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। और पावरफुल प्रोसेसर है। प्रोसेसर इसका आप देखोगे तो वो पहले ही मेंशनड है, जो कि स्नैपड्रैगन 888 का है। और मैंने आपको बताया जैसे कि 256 GB का वेरियंट है। तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर आपको एक फ्लैश देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कुछ एक स्टिकर लगे हुए बारकोड। और ये डुअल सिम है, तो सिंपल आप अपनी नैनो सिम लगा सकते हो, डुअल सिम है। और बैटरी भी इसकी काफ़ी मैसिव है जो कि 4500 की है। तो इसको टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें बैटरी भेजी है हमें सैमसंग ने या नहीं। ऑन तो ये हो गया है, सैमसंग गैलेक्सी सिंपल लिखे हुआ है। और इसमें ना एक सिंपल, आपको तब तक ये ऑन होता है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। पहले मोटो देने लग गया था, अब सैमसंग भी शायद देने लग गया, क्योंकि सैमसंग पहले नहीं देता था अपने फ़ोन्स में, बट अब ये देने लग गया। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया, काफ़ी फास्ट स्टार्ट हो गया, जो कि इसमें बॉक्स पर मेंशन है कि एंड्रॉयड 13 पर होगा। तो उसको फटाफट सेटअप कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट अगर मैं लुक में बताऊं तो डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है, और ये मेंशन भी करते हैं फ्लिपकार्ट पर कि इनकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। और 5G फ़ोन है, और डिस्प्ले मैंने आपको जैसे कि बताया एमोलेड डिस्प्ले है, तो काफ़ी स्मूथ है और मक्खन, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो कि मज़ा आ जाएगा आपको चला के। और गोरिल्ला ग्लास इसमें दे रखा है आपको काफ़ी। सेटिंग्स में जाके देखते हैं S21 FE 5G सॉफ्टवेयर वर्जन में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 13, जो कि मैंने आपको बताया था, ये मेंशन करते हैं कि आपको एंड्रॉयड 13 ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट सी बात है। डिस्प्ले में देखते हैं, यहाँ पर डार्क मोड आपको मिल जाएगा, लाइट मोड मिल जाएगा आपको। और इस फ़ोन की ना खास बात है कि ये कूल लुकिंग फ़ोन है, आपके हाथ में प्रॉपरली आ जाएगा। जैसे आजकल के जो फ़ोन हैं वो बड़े बड़े आ रहे हैं, लंबे के मोटो फोन्स देखो, लेकिन ये क्या प्रॉपरली प्रीमियम रेंज फ़ोन है, तो ये प्रॉपरली आपके हाथ में आ जाएगा और प्रॉपर आपके हाथ में फिट हो जाएगा, और आईफोन की तरह है। तो ये फ़ोन्स आजकल प्रीमियम रेंज में आ गए हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रिपल कैमरा सेटअप की, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, जो कि 1.8 अपर्चर का है।
और दूसरा जो है 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और तीसरा जो है 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम है और 30x स्पेस जूम है। और यहाँ पर वीडियो की बात करो तो यहाँ पर 4K 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। नीचे यहाँ पर देखोगे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जिसमें OTG कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर डुअल सिम की ट्रे मिल जाएगी। और फ़ोन स्लीक है, फ़ोन लिटरली बताऊँ तो फ़ोन स्लीक है और कूल लुकिंग है, आपके हाथ में इजीली आ जाएगा। साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, जिसकी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। और राइट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉल्यूम के लिए पावर बटन, और जो इसका जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले पर आता है, मतलब इन डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको सनलाइट में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो कैमरे के मैंने आपको बता दिया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को पोर्ट्रेट मोड है, फ़ोटो है, वीडियो है। और वीडियो जो है मैं आपको बता देता हूँ, शायद ये रिकॉर्ड करता है अल्ट्रा 4K 60fps पर, तो काफ़ी स्मूथ आप देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करोगे तो आपको 4K 60fps पर काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर इसको देखते हैं और कैसा ये लगता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कंप्लीट एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, वैसलीन जैसे हमने यहाँ पर रखी हुई है, तो आप देख सकते हो क्लैरिटी क्या आ रही है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि जूम लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं अभी इसको फुल HD में भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, 4K में। अब यहाँ पर 4K में करके देखें तो 4K में भी देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी स्मूथ है, बट 4K में जूम लेवल उतना नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल 1080p पे रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा जूम लेवल मिल जाएगा। वीडियो में 4K में तो लिमिटेड जूम ही होता है ऑफ कोर्स, जबकि मोटो के मोबाइल में यूज़ करता हूँ उसमें भी ऐसा ही है। ये देखो 10x है, और 10x में क्या क्लैरिटी आ रही है, आप खुद देख सकते हो 10x में, व्हाट अ फाइन क्लैरिटी। बाकी फीचर्स आप देख सकते हो, काफ़ी फीचर्स है इसमें, प्रो फीचर्स काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एक सिंगिंग बॉल, इसको देखते हैं क्या ये इसको कितना कैप्चर कर पाता है। तो हमने ये फ़ोटो लिया, फ़ोटो में आप डिटेल देखो, आप वुड की डिटेल्स देख सकते हो कि क्या कैप्चरिंग पावर है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की। देख सकते हो आप कितना डिटेलिंग में इसने कैप्चर किया है। तो हाँ, अगर आप जूम करके देखो फ़ोटो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी, बट यहाँ पर एक चीज़ ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, जो कि है बैटरी। बैटरी का लोगों ने काफ़ी, आप फ्लिपकार्ट पे भी जाकर रिव्यूज़ देखोगे तो बैटरी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि ये 4500 mAh की बैटरी है और चार्जर भी साथ में नहीं मिल रहा, और आपको ये ना बैटरी ड्रेन होती है। लोगों को लगता है कि रात को लोगों की बैटरी इसमें ड्रेन होती है, लोग रात को 15% पे रखते हैं तो सुबह 5% में मिलता है। तो अगर आप इसको सुपर पावर सेविंग मोड पे रखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, बट लेकिन लोगों को हाँ बैटरी से रिलेटेड इसमें शिकायत है, हो सकता है पावरफुल प्रोसेसर है उस वजह से, बाकी प्रोसेसर के स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस क्वालिटी के लिए आप इसे परचेस करो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी गाइज, अब ये डायरी है, इसको देखते हैं क्या ये डायरी को कितने अच्छे से कैप्चर कर पाता है। तो आप जूम लेवल देखो, वाओ, मतलब जूम लेवल इसका बहुत ही अच्छा है। कैमरे इसके जो मेन जो हाईलाइट है वो कैमरा ही है, मेन लोग इसको कैमरे की वजह से परचेस कर रहे हैं और इसके प्रोसेसर की वजह से। तो आप देख सकते हो ये अल्टीमेट स्कैनर है, मतलब कैमरा क्या है, कंप्लीट मैग्नीफाइंग ग्लास है जो अच्छे से सारी चीज़ स्कैन कर रहा है। और ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ना इस टाइम, ये मोटो G60 के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना क्लैरिटी है इसके कैमरे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी आइटम आप देखो तो वो अच्छे से कैप्चर कर रहा है बिल्कुल। तो कैमरे के लिए मैं आपको बोलूँगा वर्थ इट है, बैटरी में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और प्राइस आप इसके डिस्काउंट का वेट कर सकते हो, तो आपको इजीली ये 30-32 हज़ार 33 हज़ार 34 हज़ार के आसपास का मिल जाएगा। और अब जूम करके अब आप इसका लेवल देखो, इससे बेटर मैंने मोटो कैमरा जो मैंने यूज़ किया उसमें भी इतना बेटर कैमरा नहीं है, और मतलब एक एक चीज़ को डिटेलिंग में दिखाता है बिल्कुल, जो कि ऐसा लगता ही नहीं कहीं से कुछ ब्लर है। तो ये कंप्लीट पिक्सल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर में पिक्सल ले रहा है, कंप्लीट पिक्सल्स को कैप्चर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कैमरे की। और इवन ये सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसका, जबकि मोटो के अगर आप कैमरे देखोगे तो 108 मेगापिक्सल के कैमरे, बट दे आर इतने बेटर नहीं है। तो कह सकते हो ये वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप इसको 30-40 हज़ार की रेंज में ले सकते हो। बाकी अपग्रेडेड फ़ोन्स भी हैं मार्केट में, बट इसमें ना 2-3 चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ना वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, और एक वाटर और डस्ट प्लेंट होता तो ज़्यादा बेटर होता, वो जो इसमें अवेलेबल नहीं है।
और तो कोई बात नहीं, लेकिन इस रेंज में आपको और भी मिल सकते हैं। चार्जर नहीं मिला, उसकी थोड़ी सी दिक्कत लगी, और बैटरी जो है वो इस लेवल की नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। आपका डिसीजन है कि आप इसे परचेस करना चाहते हैं, बट फ़ोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पावरफुल प्रोसेसर है, इस वजह से बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की यूनिक वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।